ले जाओ तो ले जाओ उनके माता पिता को इंटरव्यू दो सब लेके जा घर जगह देखो इंटरव्यू कर लो सहयोग मिलना चाहिए और वो जो बच्चा बिना माँ का हो गया आइए 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 देखिए हमारा साथ भाभी हैं चंदा भाभी हैं आइए हमारे भौजाई है हमारे घर चंदा भाभी आप तो एकदम करीबी रहती हैं चंदा भाभी क्या होगा मालती चौहान के न्याय मिलेगा मालती चौहान को जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगा किसका दोषी है अब ऐसे ऐसे कैसे कह सकते हैं कौन दोषी है अब कानून बताएगा कौन दोषी है कानून के हवाले गया अब पुलिस प्रशासन ट्रेस करेगा मोबाइल बिल्कुल ट्रेस करे मोबाइल जो भी दोषी हो जो भी दोषी हो चाहे वो घर के हो चाहे वो बाहर के हो चाहे वो जहाँ के हो कड़ी से कड़ी बाहर का हो ही नहीं सकता बाहर का कैसे हो सकता देखियो बहन मैं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि देखिए सुनिए मैं यही जान कह सकती हूँ कि ये प्रशासन के मामला है प्रशासन जब बताएगा जब हम जानते ये प्रशासन का मामला है लेकिन जब वो विष्णु राज के घर आती है विष्णु राज उसको लेके आता है तो रात में अगर वो अपने से खुदकुशी करी तो परिवारजन कहाँ थे वो पति था वो कहाँ था कैसे उसको नहीं पता चला ठीक है आप भोजपुरी के कलाकार हैं बस इसीलिए थोड़ा सा इन लोगों से मतलब नहीं बोल पा रही हूं लेकिन आप दुख में आई हैं छोड़कर चली गई जी उनके लिए एक विदाई का होना चाहिए मधुर आवाज में नहीं सर इतनी समय मेरे ख्याल से एकदम गाना बजा भाव का वाला होना चाहिए मैं ये जरूर कहूंगी कि तमाम यूपी बिहार के बहन बेटी पे जो ये अत्याचार होता है उसके लिए मैं एक लाइन आपको सुना बिल्कुल कब तलक अपने भारत की बेटी कब तलक अपने भारत की बेटी बल्कि बेदी पे चढ़ती रहेंगी बल्कि बेदी पे चढ़ती रहेंगी उस पिता के हृदय से भी पूछो उस पिता के हृदय से भी पूछो जिसके दिल में अरमां बहुत है क्या पता बेटी शादी से पहले शहजादी कफन ओढ़ लेगी क्या बात है मधु मिश्रा हैं भोजपुरी के भावुक हो चुकी हैं यानी गाना गाकर यानी विदाई के गाना लगातार हमने पूछे कि भाई विदाई के गाना होना चाहिए मालती चौहान पर ये तो बहुत दर्दनाक गीत आपने गा दिया जी बिल्कुल और जहाँ तक होता है क्यों औरत को क्यों इतना परेशान किया जाता है समाज में हर चीज औरत की घटना की घटित होती है मतलब देवी देवता से लेकर इंसान तक आपके लिए तो आदमी परीक्षा सीता को देना पड़ा आज के जमाना में मर्डर कत्ल शोषण बलात्कार औरत का क्यों हो रहा है इसपे पब्लिक को भी जागृत होना चाहिए और हमारे बुलडोजर बाबा का राज है हम राज्य में कभी भी मुजरिम ना बचा है और ना बचेगा वो पाताल में भी छुप जाएगा तो वहाँ से वो ढूंढ निकालेंगे मुझे अपने उत्तर प्रदेश के कानून पे अपने सीएम योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा है आपको क्या लगता है इस मामले में मुख्य आरोपी कौन देखिए मैं मुख्य आरोपी मैं जज नहीं हूँ मैं जज नहीं हूँ कि मैं किसी का नाम लूंगी लेकिन हाँ एक जो होता है शक आदमी निकालता निष्कर्ष हाँ, निष्कर्ष जो हम लोगों के दिमाग में है और तमाम YouTube के चैनल से जो मैं सुन रही हूँ वहाँ तो विष्णु राज ही नजर आ रहा है बाकी कानूनी कार्रवाई हो रही है कौन सही है कौन गलत है दूध का दूध होगा पानी का पानी होगा और विष्णु राज का नाम इसलिए लोग ले रहे हैं कि पहले अपनी बीवी की शादी हो उसके मुंह बोले भाई से करवाता है फिर वो सुलह समझौता करके क्यों लाया जब वो शादी करवा दिया था वो किसी और की बीवी थी तो अपने घर में क्यों लाया और जब अपने घर में लाया तो वो मृतक कैसे हुई ये चीज उसको साबित करना चाहिए अगर वो निर्दोष है तो उसको साबित करना चाहिए मैं जिला अस्पताल पे भी कल पूरा दिन थी इन लोगों के साथ चंदा भाभी भी के साथ नहीं मैं तो 5 बजे आई थी अच्छा गोरखपुरिया भौजी थी हाँ मैं 5 बजे ये बताइए आप तो लगातार कोई भी आप लगातार टच में रहती हैं क्या कहिएगा किसका घटना मैं किसी का घटना नहीं कह सकती मेरे पास इतना हिम्मत नहीं है मुझे बोलने का वो नहीं दिया कि मैं किसी को कह सकती हूँ कि इन्होंने इनको मारा सरकार के ऊपर है पुलिस प्रशासन के ऊपर है वो जांच करेंगे चीज करेंगे वो बताएंगे कि कौन इनको मारा है पूरा घर परिवार विष्णु राज का बोल रहा है गला दबाया गया कि ये फांसी लगाई वो बताएंगे हम नहीं बता सकते हम लोग चलिए मुझे वायरल नहीं होना है वायरल होने के लिए मैं किसी को धप्पा लगा मुझे वायरल नहीं आप क्या कहिएगा आप उनका पति हैं लगातार लाया किसने
आरती न्यूज में स्वागत है। पहली बार इंटरव्यू बहुत धड़ाका इंटरव्यू आप लेते हैं बड़े-बड़े स्टारों का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मालती का जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और जब तक रिपोर्ट पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक हम किसी को कह नहीं सकते कौन दोषी है। ये मेरा सवाल है, जब तक प्रशासन नहीं कहेगा तब तक हम नहीं लगा सकते। जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार, आरती लाइव गोरखपुर यूपी।